भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। प्रदेश सहित समूचे देश भर में गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के पूर्व हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज होता है। उसी के चलते नगर में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में हजारों की संख्या में विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सीएम राय स्कूल से प्रारंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः सीएम राय स्कूल पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाए तो उसे सम्मान की स्थिति में रखा जाना चाहिए, उसे अलग स्थान पर रखा जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त या अस्त व्यस्त राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज शांति, प्रेम और एकता का प्रतीक है। भारत को आजाद कराने में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई, यह उनके अमूल्य बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।